अस्सलाम वालेकुम। आज मैं नर्सरी क्लास के ड्राइंग के लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। ड्राइंग की बुक का पेज नंबर 13 ओपन कीजिएगा। आज का हमारा ऑब्जेक्ट है बुक। हमने बुक के ऑब्जेक्ट की ट्रेसिंग करनी है पहले ध्यान से अच्छे तरीके से, और उसके बाद उसमें कलरिंग करनी है। मेरी पेंसिल को फॉलो कीजिएगा। ये देखिए, ऐसे आपने डॉट को फॉलो करना है, ऐसे एक लाइन में। आपको इधर बता देती हूँ, जहाँ जहाँ डॉट्स लगे हैं आपने वहाँ वहाँ से अच्छे तरीके से ट्रेसिंग करनी है। आपके सामने पिक्चर दी हुई है, आपने पिक्चर को भी फॉलो करना है। इसी तरीके से आपने बाकी सारी ट्रेसिंग कंप्लीट करने के बाद इस बुक में कलर करने हैं, जैसे कि यहाँ दिए गए हैं। वालदैन से गुजारिश है कि बच्चे को अपनी निगरानी में ट्रेसिंग भी करवाइएगा और कलर भी करवाइएगा। ट्रेसिंग का कॉन्सेप्ट बच्चों के लिए नया नहीं है, इसलिए बच्चे उम्मीद करती हूँ कि ट्रेसिंग साफ़ सुथरी करेंगे। अब कलर आप देखिए, इन्होंने यहाँ पे बुक के ऊपर वाले हिस्से में टाइटल पेज पे येलो कलर किया है, यहाँ पे और यहाँ पे। उसके रिबन में कौन सा कलर है? रेड। आपने रिबन में रेड कलर करना है। और बुक का ये वाला जो पार्ट है, जो पेजेस होते हैं, यहाँ पे उन्होंने किया है ग्रे कलर। ग्रे कलर आमतौर पे सब बच्चों के पास नहीं मौजूद होता, इसलिए आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो इसकी जगह ब्राउन कलर भी कर सकते हैं। जिन बच्चों के पास ग्रे कलर है वो यहाँ पे सारा ग्रे कलर करेंगे, और जिनके पास ग्रे कलर नहीं है वो यहाँ पर लाइट ब्राउन कलर यूज़ कर सकते हैं। ड्राइंग की बुक का पेज नंबर 14 ओपन कीजिएगा। पेज नंबर 14 पे आप जैसा कि देख सकते हैं, पाकिस्तान के फ्लैग की पिक्चर बनी है। ये एक ऐसी कॉमन पिक्चर है जो सब बच्चों को ऑलरेडी पता होगी। ये पाकिस्तान के फ्लैग की पिक्चर है। अब उन्होंने प्रीवियस पैटर्न को फॉलो करते हुए इसको फिर आपने उसी तरीके से ट्रेसिंग करनी है, और फिर आपने कलरिंग करनी है। ट्रेसिंग एंड कलरिंग का कॉन्सेप्ट बच्चे को बार बार इसलिए दिया जा रहा है ताकि उसकी हैंड ग्रिप अच्छी हो और सिंपल कलरिंग से उसकी कलरिंग अच्छी हो। बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कलर जो है वो ऑब्जेक्ट से बाहर ना जाए। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट करके दिखाती हूँ। आपने डॉटेड लाइन के ऊपर बहुत आराम के साथ ट्रेस करना है, ऐसे। ट्रेसिंग का पैटर्न तो अब बच्चों को काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा, और पेरेंट्स के लिए भी ये बहुत फेमिलियर कॉन्सेप्ट है ट्रेसिंग का। ऐसे मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ। आपने ऐसे ही स्ट्रेट आते जाना है, लाइन के साथ साथ, डॉट्स के साथ साथ। डॉट्स को आपने फॉलो करना है। ऐसे आपने ट्रेसिंग करनी है। इसी तरह आपने बाकी डॉट्स के ऊपर भी पेंसिल स्मूथली फेरते हुए ट्रेसिंग करनी है। यहाँ पे भी ट्रेसिंग करनी है, और आप जैसा कि जानते हैं कि फ्लैग में सिर्फ ग्रीन एंड वाइट कलर्स होते हैं, तो आपने पिक्चर को फॉलो करते हुए बिल्कुल सेम कलर बच्चे को यहाँ पे करवाने हैं। ये वाला जो पोर्शन है जहाँ मैंने आपको पेंसिल शो करके दिखाई है, ये वाइट है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। सिमिलरली ये वाली दोनों जगहों पर भी आपने क्रेसेंट और स्टार में ऐसे ही रहने देना है। इसमें आपने कोई कलर नहीं करना, ताकि जब आप ग्रीन कलर करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वाला हिस्सा वाइट और ये भी वाइट शो हो जाए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और ये भी आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपने साथ साथ प्रीवियस वर्क कम्प्लीट किया होगा। प्रीवियस वर्क कम्प्लीट करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, क्योंकि इस तरह आपको कोई दुश्वारी नहीं होगी और बच्चा टाइम के साथ साथ अपना आमीन। आज मैं ड्राइंग के ऑनलाइन लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। नर्सरी क्लास का लेक्चर है ये ड्राइंग का। आप ड्राइंग की बुक ओपन कीजिए, पेज नंबर 15 निकालिए। पेज नंबर 15 पे आज हमारे पास शेप्स का कॉन्सेप्ट है। ये बच्चों के लिए नया कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि ड्राइंग के बिल्कुल इनिशियल लेक्चर्स में आपको शेप्स का कॉन्सेप्ट दिया जा चुका है, सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल। यहाँ हमारे पास आज 3 शेप्स हैं, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल। अब उन्होंने बुक में बच्चों के लिए एक फ़न एक्टिविटी बनाने के लिए उनको शेप्स को किसी ना किसी एनिमल के साथ जो है जोड़ दिया है।
कि बच्चे उस शेप से, उस एनिमल से अट्रैक्ट होते हुए उसको समझ लें कि ये क्या शेप है, और फिर उसके अंदर कलर भी करें। जैसे उन्होंने डॉग की जो बॉडी है उसको उन्होंने रेक्टेंगल की शेप दे दी है, डॉग की बॉडी रेक्टेंगल शेप की है, इसी तरह उन्होंने माउस को एक बड़ी क्यूट शेप के साथ, ट्रायंगल शेप के साथ बना के माउस को एक बड़ी क्यूट सी शक्ल दी है, ताकि बच्चे इसको देख के अट्रैक्ट हों और उनको शेप भी समझ में आए। सिमिलरली टर्टल की नेचुरल शेप सर्कल ही होती है, तो उन्होंने उसके साथ सर्कल ही अटैच किया है, टर्टल के साथ उन्होंने सर्कल की शेप अटैच की है, और इसके अंदर उन्होंने छोटे छोटे स्केयर्स बना दिए हैं। ये भी आपके पास एक कॉन्सेप्ट है कि सर्कल के अंदर उन्होंने उसको किस चीज़ से फिल किया है, स्केयर्स के साथ, स्केयर्स की शेप के साथ, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल। अब आपने पिक्चर के अकॉर्डिंगली इसमें कलर करना है। जैसे इन्होंने यहाँ डॉग में पिंक कलर का शेड दिया हुआ है, तो आपने बच्चे को ये इस पूरे रेक्टेंगल में लाइट पिंक कलर ही करवाना है। इसी तरह माउस में उन्होंने चूंकि ग्रे कलर शो किया है, ग्रे कलर आमतौर पे अवेलेबल नहीं होता, ब्लैक कलर अगर आप करेंगे तो उसकी बड़ी क्लमजी लुक आएगी, नीट लुक नहीं आएगी, इसलिए आप ब्लैक कलर ना करवाइएगा। आप अगर ग्रे कलर आपके पास है तो आप इसमें माउस की जो ट्रायंगल शेप है इसमें या तो आप ग्रे कलर करवा दीजिएगा या फिर लाइट ब्राउन कलर करवा दीजिएगा, लेकिन अपनी निगरानी में। और टर्टल में जैसा कि आप सब जानते हैं, समटाइम्स ग्रीन कलर भी शो किया जाता है और ब्राउन कलर भी शो किया जाता है। ब्राउन कलर चूँकि आप अगर माउस में करवा देंगे तो फिर आप टर्टल को थोड़ा हाईलाइट करेंगे ग्रीन कलर के साथ। टर्टल के अंदर जो सर्कल शेप है ये वाली, इसमें आप बच्चे को चाहे तो लाइट ग्रीन कलर करवा दें चाहे डार्क ग्रीन कलर करवा दें, ताकि ये तीनों शेप्स विद एनिमल्स प्रोमिनेंटली शो हो जाए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के लेक्चर विद कलरिंग और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक यू।